Assalamu alaikum, this is Zainul Abidin Hussain, working as a business development officer at IFIL State. And today, I'm going to brief you guys about the central business district of Behria Town Phase 8 Rawalpindi. बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो 3 से 4 किलोमीटर का पैच है जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से स्टार्ट होता है और ये जाता है बहरिया टाउन के नए हेड ऑफिस तक। इसमें जो है दोनों साइड्स के ऊपर हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं, जिसमें जो है ये टोटल 400 फीट की जो है ये रोड है और इसके साथ साथ जो है वो 40-40 फीट की सर्विस लेन जो है वो मौजूद है और 20 फुट का जो है वो पार्किंग एरिया डेडिकेटेड है इन हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए। अच्छा, लोकेशन के बारे में अगर इसकी बात की जाए तो ये काफ़ी प्राइम लोकेशन और सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे वाकई है। इसके दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल एरिया मौजूद है जिसकी लगभग 30,000 से ज़्यादा जो है वो आबादी है और इसका जो है वो 5 से 6 किलोमीटर का फासला है जीटी रोड तक और इसके 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर इंटरचेंज बनने जा रहा है जो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है रिंग रोड का। रिंग रोड के प्रोजेक्ट से जो है वो आने वाले वक्तों में इसका जो नए एयरपोर्ट से फासला है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा करीब होने वाली है और जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा मौका है कि ये अभी इस लोकेशन के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले वक्तों में इसके जो रेट्स हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त होगी वो स्काई रॉकेट होने वाले हैं। तो इसमें जो है वो अभी जो फिल वक्त रेट स्टार्ट हो रहे हैं 10,000 पर स्क्वायर फीट से ले के ऑनवर्ड्स 50,000 स्क्वायर फीट तक भी जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर ग्राउंड फ्लोर से ले के फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर कमर्शियल एरियाज आ रहे हैं जिसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी होंगे और उससे ऊपर फिर हमारे पास आ जाते हैं फूड कोर्ट एरियाज जिसमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल ब्रांड्स होंगे और फूड आउटलेट्स होंगे जहाँ पे जो है वो कस्टमर्स आके जो हमारे अटेंडेंस होंगे उनको जो है काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उससे ऊपर हमारे पास कमर्शियल और कॉर्पोरेट ऑफिसेज आ जाते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल बढ़ने लगे लोगों का और उन्हें जो है यहाँ पर अपने ऑफिसेज दरकार होंगे। इसी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बहरिया टाउन ने अपना हेड ऑफिस भी जो है वो शिफ्ट किया है जो कि अभी ज़ेर तामीर है और जहाँ पे भी बहरिया टाउन ने अपना फुटफॉल बढ़ाना होता है ये सबसे पहले उस एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ पे अपना हेड ऑफिस लेके जाती हैं। और जैसे ही आपको मालूम होगा कि हेड ऑफिस के ज़रिए ही इनकी तमाम जो है वो प्रोसीजर्स प्रोसेसिंग पेपर वर्क होते हैं तो वहाँ पे आने वाले वक्तों में जो है वो लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर कैसी डेवलपमेंट होने वाली है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है इसका आइडिया ये लिया गया है दुबई शेख जायद रोड, अगर आपने विज़िट की हो तो वहाँ पे भी इसी तरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स मौजूद हैं और सेंटर में जो है वो काफ़ी बड़ी रोड मौजूद है। इसी के बिल्कुल साथ लेक व्यू कमर्शियल जो है वो बनने जा रहा है काफ़ी बड़ा बिजनेस हब। वहाँ पे 285 किनाल से ज़ायद जो है बहरिया टाउन अपनी आर्टिफिशियल लेक बनाने जा रहा है और उसमें दुबई ही की तर्ज के ऊपर डांसिंग फाउंटेन भी मुतारफ़ किया कराए जा रहे हैं इसी लेक के ऊपर जिसका नाम है ईडन लेक। यूटिलिटीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके गिर्दो नवा में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, पानी, बिजली, गैस तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं जो कि एक रिहायशी और एक कमर्शियल सेक्टर को रिक्वायर्ड होती हैं। इसीलिए इसे आने वाले वक्तों का नया ब्लू एरिया कहा जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है जिसके अंदर 45-25 से ज़ायद जो है वो फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मलिक रियाज साहब ने यहाँ पे काफ़ी जो है वो खूबसूरत मस्जिद भी जो है तामीर करवाई है जिसके अंदर अराउंड 20,000 से ज़ायद जो है वो नमाजियों की जगह मौजूद है। इसी एरिया के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस हवाले से जो है आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आपको जो है मैं खिदमत में हाजिर हूँ, किसी वक्त आप रब्ता करें। शुक्रिया।